स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े स्वच्छा गृहों ने बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय स्वच्छा गृह संघ ने शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे के नेतृत्व में दूसरे दिन भी धरना दिया। स्वच्छा गृहों ने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक से लगभग 1300 स्वच्छा गृहों को पंचायत राज विभाग के द्वारा ग्राम पंचायतों में तैनात किया गया है। हम समस्त स्वच्छा गृहों ने जिले को ODF करने में दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन तेज करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वच्छा गृह संघ रणजीत पांडे और जिला अध्यक्ष शेषमणि जायसवाल ने कहा, आवाज तो हमें एक है, स्वच्छाग्रही एकता जिंदाबाद, 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 जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छाग्रही एकता जिंदाबाद, 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 जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, स्वच्छाग्रही एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांगे पूरी हो, जय लोकमान्य पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जय लोकमान्य पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जय लोकमान्य पूरी हो। कि हम लोग 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, ना ही कोई आश्वासन हमको मिला है कि हमारे मांगे जो है पूरी की जाएगी। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो 10 दिन के अंदर अंदर तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन मजबूर हो जाएंगे। हम लोग 1.5 वर्षों से काम लगातार दिनों रात चल के लाठी डंडे खा करके लोगों की गालियां सुन करके हम लोग काम किए हैं। बताइए, हम लोग 1.5 वर्षों से 1 रुपया नहीं पाए हैं, तो हम लोग बताइए कैसे अपना खर्चा चलाएं, कैसे गाड़ी का तेल में गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं। माँ बाप से कब तक हम लोग पैसे मांग के सब काम करें।